मेरे बताए हुए सिर्फ ये 3 नियम फॉलो कर लीजिए, आपकी स्किन पर अल्टीमेट रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। बहुत आसान है तो इनको फॉलो करना। चलिए बात कर लेते हैं पहले नियम के बारे में, लेकिन उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स देना चाहूंगी। मैं जानती हूँ आप सब लोग मुझसे बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हैं, लेकिन बस थोड़ा सा उनको मसलने की जरूरत है, क्योंकि हमारी जो नॉलेज होती है ना, कई बार वो छुप जाती है, तो अगर हम उसको रगड़ के निखार लें तो बस बात ही क्या है। तो ऐसे में सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी डाइट में से चीनी और नमक को बिल्कुल कम कर देना है। नमक इसका मतलब ये नहीं कि खाने में आप फीका खाना शुरू कर दें, बल्कि जो आप एक्स्ट्रा सॉल्ट, पैकेट बर्न, ये सब चीजों से इनटेक करते हैं, इसको बंद कर दीजिए। क्योंकि नमक क्या करता है, आपकी बॉडी में स्टोर हो जाता है, नमक में सोडियम होता है, जिसकी वजह से हमारा पानी शरीर में बढ़ने लगता है, बाहर नहीं निकल पाता, और इसकी वजह से टॉक्सिन्स पैदा होते हैं जो हमारी स्किन पर एजिंग लेकर आते हैं, ज्यादा हमें हमारे लाफिंग लाइंस लेकर आते हैं, रिंकल्स लेकर आते हैं, स्किन का ग्लो खत्म हो जाता है, पिगमेंटेशन बढ़ने लग जाती है, और स्किन हमारा बिल्कुल मुरझाया हुआ सा लगने लगता है। तो ऐसे में हम दूसरी गलती क्या करते हैं, हम लोग कॉस्मेटिक का सहारा लेते हैं, मेकअप का, फेशियल्स का, महंगे महंगे। उन फेशियल का असर 3 से 4 दिन या मैक्सिमम 15 डेज रहता है, लेकिन उसके बाद हमारी स्किन और डल पड़ जाती है, क्योंकि जो केमिकल लगाया वो आपकी स्किन को एक बार तो चमका देता है, लेकिन उसके बाद में उसका इफेक्ट भी, साइड इफेक्ट भी आप ही को देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं नियम की, ठीक है। नियम शुरू करने से पहले आयुर्वेद में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि अगर आप अपने शरीर को, अपनी स्किन को अच्छा रखना चाहते हैं, तो हर आधे घंटे में आपने पानी पीना है। ऐसा करने से आपके बॉडी में सारे टॉक्सिन निकल जाते हैं और आपकी स्किन से एजिंग डिले हो जाती है। आप सुबह उठने के बाद क्या करते हैं, सबसे पहले फेस वॉश लेते हैं, अपने फेस पे रब करते हैं और सोचते हैं कि मेरा चेहरा चमक गया, लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ऐसा करने से हमारे फेस में जितना भी नेचुरल ऑयल होता है, उसका पीएच लेवल होता है, सब बिगड़ जाता है, ठीक है। ऐसे में वो हमारे कोलेजन के प्रोडक्शन को कम कर देता है। सुबह उठते ही आपने 3 से 4 मिनट तक ठंडा पानी अपने चेहरे पर डालते जाना है। ऐसा करने से आपका कोलेजन बढ़ने लगता है, ठीक है, एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होता है, मेलानिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है। मेलानिन क्या होता है, वो हमारे डार्क सेल्स होते हैं, जो जब ऊपर आ जाते हैं तो हमारी स्किन बहुत ज्यादा मुरझाई हुई लगती है, तो मेलानिन की प्रोडक्शन वो कम हो जाती है, कोलेजन बढ़ता है, जिससे आपकी स्किन टाइट होती है, ग्लोइंग बनती है, फॉर्म दिखती है, बेटर दिखती है, ठीक है। ठंडा पानी आपके फेस पे ब्लड सर्कुलेशन को बहुत फास्ट कर देता है। तो आपने उठने के बाद कोई भी फेस वॉश इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि 3 से 4 मिनट ठंडा पानी अपने चेहरे पर डालते रहना है। ऐसा आप लगातार 6 महीना करके देखिए, और उसके बाद मुझे खुद ब खुद आप बताने पर मजबूर हो जाएंगे अपना अच्छा एक्सपीरियंस, ठीक है। सुबह उठते ही हम लोगों की आदत क्या होती है, बेड टी की, यानी बस चाय की एक प्याली मिल जाए तो सर में दर्द भी दूर हो जाए और काम करने की एनर्जी आ जाए। लेकिन वो चाय की प्याली आपको एनर्जी तो देती है, लेकिन आपके बॉडी में टॉक्सिन्स को पैदा कर देती है, और वो टॉक्सिन्स आपकी स्किन को दिन ब दिन भूरा करते जाते हैं, पिगमेंटेशन लेकर आते हैं, आपके पिंपल्स की प्रॉब्लम को लेकर आते हैं, और समय से पहले एजिंग आपके फेस पर आने लग जाती है। तो ऐसे में आपने सहारा लेना है सुबह उठते ही 2 से 3 ग्लास गर्म पानी का, और उसके 1 घंटे बाद आपको लेना है फ्रेश वेजिटेबल सूप या फिर जूस। अगर आप ऐसे में मार्केट वाले सो कॉल्ड टेट्रा पैक्स की बात नहीं कर रही हूं मैं, घर पर आप ऑरेंजेस लेकर आइए, मौसमी लेकर आइए, उसका जूस निकाल के पीजिए, पाइनएप्पल ऐड करिए, उसमें अनार ऐड करिए, या फिर बेस्ट चीज आपको मैं बता देती हूँ, घिया और पालक और करेले का जूस पीना शुरू कर दें। यह आपके ओवरऑल बॉडी की हेल्थ के लिए अच्छा है, और आपके फेस की रंगत मात्र कुछ ही दिनों में आपके सामने होगी, कि जो पहले और अब में आपको इतना डिफरेंस नजर आएगा, यानी बिफोर एंड आफ्टर का। तो मेरी इन टिप्स को फॉलो करने से पहले अपनी पहले पिक लेना और बाद में पिक जरूर क्लिक करना, आपको डिफरेंस अपने आप दिख जाएगा। हम में से बहुत सारे लोग फेस वॉश करने के बाद में अपने फेस पर क्रीम लगाते हैं, फिर सनस्क्रीन लगाते हैं, फिर कोई मॉइस्चराइजर लगाते हैं, फिर मेकअप लगा लेते हैं, मतलब अपनी स्किन को हम सांस नहीं लेने देते, फिर कहीं बाहर से आते हैं तो फिर फेस वॉश यूज करते हैं, फिर मॉइस्चराइजर यूज करते हैं, रात को सोने से पहले फिर से मॉइस्चराइजर यूज करते हैं, मतलब हमारी स्किन सांस ले ही नहीं पाई। जैसे आजकल कोरोना टाइम चल रहा है, आप अपने पूरा दिन मास्क लगा के रखेंगे तो आपको सांस कैसे आएगा,
वैसे अगर आप अपने स्किन पर पूरा दिन मास्क लगा के रखेंगे तो आपको सांस कैसे आएगा, आपकी स्किन ब्रीथ नहीं कर पाएगी, और अगर स्किन सांस नहीं ले पाएगी तो वो बूढ़ी हो जाएगी, मुरझा जाएगी, पिगमेंटेशन आने लगेगी, रिंकल्स आने लगेंगे। तो ऐसे में आपने फेस वॉश यानी ठंडे पानी से अपने चेहरे को धोने के बाद 2 से 3 घंटे तक अपने चेहरे पर कुछ नहीं लगाना। अगर आपको 9 बजे ऑफिस जाना है या 10 बजे ऑफिस जाना है तो उसका मतलब आप 6 बजे उठें, अपने चेहरे को ठंडे पानी से धोएं 3 से 4 मिनट तक, और 2 घंटे तक प्लीज़ अपने चेहरे को सांस लेने दें, ब्रीथ लेने दें, और उसके बाद अपने चेहरे की रंगत खुद ब खुद आप देखकर हैरान रह जाएंगे। ठीक है, तो मेरे बताए हुए इन नियमों को फॉलो करिए। ठीक है, पूरा दिन पानी ज़्यादा पिए, जंक फूड अवॉइड करें, निखार आपके सामने होगा। ऐसे ही कुछ नया और बेहतर आपके लिए लाती रहूंगी, आपकी जिंदगी को खुशनुमा बनाती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।